अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय वेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं जी। आपको मेरे चमकते धमकते शाइनी हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं, इनका मैंने आपको आज राज फाश कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत पूछते हैं कि आप अपने हेयर्स जो हैं उनका ख्याल कैसे रखनी है। आपको मेरे हेयर्स की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट नज़र आ रही है, इतनी मेरे हेयर्स की लेंथ शॉर्ट है नहीं, आप लोगों को आइडिया। बस मैंने थोड़े से ट्रिम वगैरह करवा ली हैं, तो आज मैं आपको उसका राज भी बताऊंगी। अच्छा जी, ये वीडियो जो है कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर्सनली मैं इसको रिव्यू करूंगी सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। तो ये जी इजी कलर है, जिसका थोड़ी सी पैकिंग मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ, इस तरीके की है ये, प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, इसमें ओमेगा 9 है। पैकिंग की बात करें, इट्स वेरी नाइस। मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी, इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। और इसमें हेयर्स लेवल जो आपके लेवल हैं हेयर्स के, उसके अकॉर्डिंग यू कैन परचेज़ इट। मेरा जो लेवल है वो 3 नंबर है, डार्क ब्राउन में यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता है कि आजकल स्टीक, हाईलाइट्स और आयरनिंग, ये तमाम चीज़ें करके गर्ल्स के ना बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स होने लग गए हैं। तो उसका सलूशन यही है कि आप अपनी रूट्स जो हैं उसको टचअप कर लें। तो मैं जो हूँ अपने हेयर्स को, मेरे आपको जो ये शाइनी नज़र आ रहे थे, एक्चुअली मैंने अपना हेयर कलर किया था। चलें जी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यह जी इजी कलर प्रीमियम ओमेगा 9 के साथ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं यू कैन सी। इसके अंदर ये इजी कलर का प्रीमियम हेयर कलर है, साथ इसके 20 वॉल्यूम है क्रीम। और इसके अलावा जी इसमें आपने रेशो यही रखनी है 1:1, ठीक है। और इसमें इजी केयर लिखा हुआ है, खैर मे बी ये इनकी कंपनी ही हो। उसमें इनका डीप रिपेयरिंग मास्क है, प्लस इसका शैम्पू इसके साथ है, जो कि आपने कलर करने के बाद हेयर्स के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आपका जो कलर है वो लॉक हो जाए। इसके अलावा जी इस बॉक्स के अंदर आपको ये ब्रश भी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है कि साथ ही ब्रश मिल जाए, साथ इसके ग्लव्स भी हैं, साथ ही इंस्ट्रक्शंस के लिए उन्होंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि हाउ यू कैन अप्लाई इट। अच्छा जी, मुझे तो बहुत अच्छा ये कलर लगा है, ये तमाम चीज़ें इस बॉक्स के अंदर थी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने अपने ग्रे कवरेज का जो है उसको करना हो कवर, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इजी कलर का। और इसके ऊपर ये मेजरमेंट भी लिखी हुई है, इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, आपने जितनी क्वांटिटी में लेनी है यू कैन यूज़ इट। मैंने क्योंकि ग्रे कवरेज करनी थी, सिर्फ रूट्स करनी थी, तो मैंने हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ट्यूब ले ली, ये मैंने निकाल रही हूँ। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर यूज़ क्या करूँगी, वॉल्यूम 20 वॉल्यूम जो है उससे बहुत अच्छी कवरेज जो है हमारे हेयर्स की हो जाती है। तो इसको करने के लिए ज़रा एहतियात करें कि जब भी आपने हेयर कलर वगैरह लगाना है तो फ्रंट लाइन पर आप वेजलिन वगैरह ज़रूर लगाएँ, ताकि आपकी स्किन के ऊपर कलर ना आए। ये 20 वॉल्यूम है एक्टिवेटर जो मैं अब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना, उतना अच्छा हेयर कलर जो है वो अप्लाई होता है। और 1-2 सेकंड मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अब ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैं अपने हेयर्स की सेक्शनिंग करूँगी और इनको अपनी रूट्स में लगाऊँगी 40-45 मिनट्स के लिए। और फिर मेरे हेयर्स जो हैं वो तकरीबन फुल कवरेज हो जाती है। जब भी आपने कलर करना है अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स ज़रूर पहने। और फिर उसके मैंने पूरे हेयर्स पे कलर अप्लाई करके कैप पहन ली और 45 मिनट्स के बाद वॉश किया, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट, माय सुपर शाइनी हेयर्स, आई एम इन लव। आप लोग भी ये कलर यूज़ करें और फिर मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपको कैसा रिज़ल्ट आया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।